हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट कोर्स नीट के अंडर आज जो हमारा यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एंड जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, कोरोलेफ इलेक्ट्रोस्कोप, चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ। जो बच्चे टारगेट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि मैंने इसका एक पहले भी वीडियो डाला था, पर फिर कुछ बच्चों का सजेशन आया मेरे पास कि मैम थियरी जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी से कराइए एंड उसके अलावा नीट के जैसे न्यूमेरिकल्स आप अलग से करवा दीजिए। तो मैंने अपने लेक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है एंड अब मैं जो थ्योरी है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे एंड आप एक ही बुक को रेफर कर पाएं एंड एनसीईआरटी जो है वो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा जो नीट लेवल के क्वेश्चंस है वो मैं अलग से एक वीडियो में डालूंगी जिसका नाम रहेगा नीट बूस्टर सेक्शन। नीट बूस्टर सेक्शन के अंडर आप कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, प्लस कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लाइक क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे। ओके, एंड अगेन बेटा इस वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो देखना शुरू करने से पहले आप प्लीज़ अपनी अपनी कॉपीज जो है वो अपने पास ज़रूर रखिए, अपनी कॉपीज पेन अपने पास रखिए एंड जितने भी आपको लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुन लेना, जो आपको लगे लिखने लायक वो आप लिख लेना, न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करते जाना, तभी आप इस वीडियो का मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठा पाएंगे। मोर ओवर जो बच्चे टेस्ट सीरीज में एंड असाइनमेंट्स के लिए इनरोल होना चाहते हैं वो प्लीज़ अपनी डिटेल्स मुझे मेरे ईमेल आईडी क्यूक एग्जाम प्रिपरेशन @gmail.com पर मेल कर दें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन माय फ़ोन नंबर 9414210597 पर। ओके, एंड टेस्ट सीरीज जो है बेटा वो इस संडे से शुरू हो रही हैं एंड असाइनमेंट्स जो है वो आपको डेली की मिलती रहेंगी, आपको बस इनरोल कराना है उसके अंदर एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। ओके, तो चलो बेटा हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। तो बेसिकली स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। एंड इलेक्ट्रो, दिस इज रिलेटेड टू चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दोज चार्जेस। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या होता है। तो हुआ ये बेटा कि बहुत सालों पहले थेल्स ऑफ मिलेटस इन ग्रीस ने ये फाइंड किया कि जब हम एम्बर को वूल या सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तब वो कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। एम्बर ये स्टोन है, इस तरह का दिखता है। ओके, तो इसी के आगे फिर सारी डिस्कवरीज होती चली गई, इसी के आगे पता चला कि अच्छा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज होता है, फिर कूलम्स लॉ फ्रेम हुआ एंड इसके आगे की थियरी इस तरह से बनती गई। अब आप देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वर्ड कहाँ से आया है? फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या है? एम्बर। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा ग्लास रॉड सिल्क वूल एक्सपेरिमेंट। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको कई बार, है ना, छोटी क्लासेस में भी करवाते ही हैं, बट स्टिल यहाँ पर समझ लो कि क्या दे रखा है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम दो ग्लास रॉड्स को वूल या फिर सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें और उन्हें पास में लेकर आएँ तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, है ना। समझ में आया आपका, आपको कि भाई मैंने एक ग्लास रॉड लिया, उसको मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, दूसरे ग्लास रॉड को भी मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, अब जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आई तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। इसी तरह से ऐसा देखा गया कि टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और टू पीसेस ऑफ सिल्क विद विच द रॉड्स वर रब्ड ऑल्सो रिपेल्ड ईच अदर। यानी कि ये जो कपड़ा था, ये जो सिल्क का क्लोथ था और ये जो सिल्क का क्लोथ था, ऐसा नोटिस किया गया कि इन दोनों ने भी एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। लेकिन ये नोटिस किया गया कि जो ग्लास रॉड थी और जो वूल थी, वूल या फिर सिल्क का जो भी कपड़ा था, उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। यानी कि ये जो ग्लास रॉड थी और ये जो सिल्क का कपड़ा था या फिर वूल जो थी, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ओके, तो ऐसा नोटिस किया गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसी तरह से ये देखा गया कि दो प्लास्टिक रॉड को अगर हम कैट के फर के साथ रब करें तो फिर वो दोनों प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपेल करती हैं लेकिन फर को अट्रैक्ट करती हैं। जस्ट लाइक पीछे हमने क्या देखा था कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था तो ग्लास रॉड ने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया था, लेकिन ग्लास रॉड और सिल्क ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था। तो हम लिख लेते हैं इसको एक जगह पर कि भाई ग्लास रॉड और सिल्क को जब हमने आपस में रब किया तो ग्लास रॉड ने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल
लेकिन ग्लास रॉड एंड सिल्क ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो प्लास्टिक रॉड जो होंगे इन्हें जब हम फर के साथ रब करेंगे तो ये प्लास्टिक रॉड जो हैं वो एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन ये जो प्लास्टिक रॉड एंड फर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो कि ऐसा भी नोटिस किया गया कि प्लास्टिक रॉड ने ग्लास रॉड को तो अट्रैक्ट किया लेकिन सिल्क को रिपेल किया। ये जो प्लास्टिक रॉड थी ना, इसने इस ग्लास रॉड को अट्रैक्ट किया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में, सिल्क और प्लास्टिक रॉड के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन। इन्होंने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया। अब पेयर समझ में आ गए, ग्लास रॉड और सिल्क, ठीक है, इनको रब किया आपस में, प्लास्टिक रॉड फर को आपस में रब किया, ग्लास रॉड ने ग्लास रॉड को रिपेल किया, ग्लास रॉड ने सिल्क को अट्रैक्ट किया, सिल्क ने सिल्क को रिपेल किया। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड के साथ हुआ, लेकिन प्लास्टिक रॉड ने ग्लास रॉड को अट्रैक्ट किया और सिल्क को इसने रिपेल किया। ओके, उसी तरह से हमने देखा कि ग्लास रॉड ने फर को भी रिपेल किया। अब आप देखो कि प्लास्टिक रॉड जिसको हमने फर के साथ रब किया था, उसे अगर हम पिट बॉल के साथ टच करवाएं तो हमने नोटिस किया कि ये जो पिट बॉल्स थी इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, ठीक है। उसी तरह से ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया था, इसको जब हमने पिट बॉल्स के साथ जो है टच करवाया तो पिट बॉल्स ने आपस में एक दूसरे को फिर से रिपेल किया, ये वाला केस। लेकिन ये जो अलग अलग पिट बॉल्स थी, एक पिट बॉल वो जिसको हमने प्लास्टिक रॉड के साथ टच कराया था, दूसरी पिट बॉल वो जिसको हमने ग्लास रॉड के साथ टच करवाया था, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। समझ में आया, प्लास्टिक रॉड वाली ने एक दूसरे को रिपेल किया, ग्लास रॉड वाली ने एक दूसरे को रिपेल किया, लेकिन प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड वाली पिट बॉल्स ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो बेटा कंक्लूड हमने क्या किया यहाँ से कि ये जो ग्लास रॉड थी, प्लास्टिक रॉड थी और पिट बॉल्स थी, ये सब क्या थे, इलेक्ट्रिफाइड, ये सब इलेक्ट्रिफाइड हो गए थे। इलेक्ट्रिफाइड होने का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर कुछ चार्ज आ गया था। दे कैरिड एन एंटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड ये जो प्रॉपर्टी है जो इन दोनों चार्जेस को डिफ्रेंशिएट करती है, इसे हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ओके, लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमने देखा कि ग्लास रॉड को क्या किया, रिपेल किया। क्यों रिपेल किया भाई, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया था पॉजिटिव। प्लास्टिक रॉड को रिपेल किया। क्यों रिपेल किया, क्योंकि इन दोनों के ऊपर भी सेम चार्ज आ गया था नेगेटिव। लेकिन ग्लास रॉड ने प्लास्टिक रॉड को क्या किया, अट्रैक्ट किया, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज था। आई समझ में बात, चार्जेस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रॉड टू पिट बॉल्स ऑन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब हम ग्लास रॉड को पिट बॉल के साथ लेकर आए कॉन्टैक्ट में, तो क्या हुआ कि चार्जेस जो थे वो पिट बॉल पर ट्रांसफर हो गए थे। ओके, ग्लास रॉड जो थी वो खुद पॉजिटिव थी। अब पॉजिटिव ग्लास रॉड ने क्या किया, इस पिट बॉल को भी क्या बना दिया, पॉजिटिव। बेटा ये चार्जिंग बाय क्या होता है पता होना चाहिए आपको, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, और ये जो हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था, है ना, इन दोनों को रब किया था ना हमने आपस में, और फिर हमने देखा था कि ग्लास रॉड के ऊपर एक तरह का चार्ज आ गया और सिल्क के ऊपर दूसरी तरह का चार्ज आ गया। इस तरह के चार्जिंग प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय टचिंग अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट विद चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंडक्शन। By convention it was decided that charge on the glass rod was positive. तो by convention उन्होंने एज्यूम किया कि भाई चलो ग्लास रॉड को हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं एंड प्लास्टिक रॉड पे हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिर हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि भाई ग्लास रॉड और सिल्क का पेयर था। अब ग्लास रॉड के ऊपर एक तरह का चार्ज आया पॉजिटिव, तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव आया होगा। प्लास्टिक रॉड जो थी उसने ग्लास रॉड को अट्रैक्ट किया था, यानी कि प्लास्टिक रॉड पे ऑपोजिट चार्ज आया था, और फर के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, प्लास्टिक रॉड ने पिट बॉल्स को क्या किया था, नेगेटिव बना दिया था। ग्लास रॉड ने पिट बॉल्स को क्या किया था, पॉजिटिव बना दिया था। इसीलिए
एक पिथबॉल जिसको हमने ग्लास रॉड के साथ रब किया और दूसरी पिथबॉल जिसको हमने प्लास्टिक रॉड के साथ रब किया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। आई बात समझ में? तो किसी भी बॉडी को जिसको हम इलेक्ट्रिफाई कर देते हैं वो चार्ज्ड बॉडी कहलाती है, और कोई भी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई नेट चार्ज नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में आप ये कह सकते हो कि जो सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है इट इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड किसी भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी में आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पर बाउंडेड होते हैं? दे आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं कर सकते, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से ही आएगा। जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। एक बात का याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी लूज कर रही है उसका मास कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, पहले से थोड़ा सा उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का खुद का कुछ मास होता है, भले ही बहुत कम होता है पर फिर भी होता है। उसी तरह से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज अ सिंपल एपरेटस विच इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, हम पता लगा सकते हैं इसकी मदद से कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड है या फिर नहीं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विद टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सिंपल सा अगर मैं बनाऊं इसका डायग्राम तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऊपर होती है एक नॉब, ये है मेटल रॉड एंड ये है थिन लीव। ओके, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड चार्जेस फ्लो ऑन टू द लीव एंड दे डाइवर्ज। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई अगर मानो ऐसा किया मैंने कि मैं इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेकर आई और मैंने इसको इसके साथ टच करा दिया। अब टच कराएंगे तो चार्जेस क्या है, कुछ नॉब में ट्रांसफर होंगे तो नॉब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो है ये पूरा जो इलेक्ट्रोस्कोप है यहाँ पर ये कंडक्टिंग है, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ तो रुकेंगे नहीं नॉब के ऊपर, ये तो पूरे मेटल रॉड के ऊपर फैल जाएंगे। अब मेटल रॉड के ऊपर फैलेंगे तो फिर उसके बाद थिन लिप्स पे भी आएंगे, अब दोनों थिन लिप्स के ऊपर सेम तरह का चार्ज हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, यानी कि ये इन दोनों जो है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो डाइवर्जेंस आएगा। एंड चार्ज जितना ज्यादा होगा ये डाइवर्जेंस उतना ही ज्यादा आएगा। ओके, सो बाय टचिंग द बॉल एंड विद एन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी चार्ज इज ट्रांसफर टू द वर्टिकल रॉड एंड द अटैच्ड एल्यूमिनियम फॉइल। बोथ द हाफ्स ऑफ द फॉइल गेट सिमिलर चार्ज्ड एंड देयरफॉर दे रिपेल ईच अदर। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर पॉजिटिव रॉड को हम लेकर आए, मेटल नॉब के साथ टच कराया, ये जो चार्जेस हैं ये मेटल रॉड से कहाँ तक पहुँच गए, लीव तक पहुँच गए, लीव दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तो अगर जो लीव्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हमने टच कराया था ऊपर उसके ऊपर कुछ चार्ज था। और अगर लीव्स में किसी भी तरह का रिपल्जन नहीं आता है तो इसका मतलब जो बॉडी आपने टच कराई है उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ओके, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस उतना ही ज्यादा होगा बेटा जितना चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा अमाउंट होगा चार्ज का डाइवर्जेंस उतना ही ज्यादा आएगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन उतना ही ज्यादा लगेगा। ओके, तो चार्जिंग अ बॉडी बेटा हमने दो तरीके तो देख लिए इसके फ्रिक्शन, एक तो बाय रबिंग हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, दूसरा हमने देख लिया कंडक्शन यानी कि बाय टचिंग हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए हमें या तो एक चार्ज को ऐड करना पड़ेगा या फिर उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो किसे ऐड या रिमूव करोगे, आप इलेक्ट्रॉन्स को ही ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को ही रिमूव कर सकते हो।
तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, या फिर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगी? जब वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है। तो जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ग्लास रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो गए थे, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी एंड सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। एक बात का ध्यान रखिएगा कि रबिंग के प्रोसेस में कोई भी नया चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। ओके, तो इसीलिए जब भी चार्ज वगैरह, ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो मास में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल जरा सा ही मास कम होता है, या फिर जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स गए होते हैं उसका मास जरा सा ही बढ़ता है। ओनली द लेफ्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट टू अनदर बाय रबिंग। तो जो जो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टाइटली बाउंड होंगे बेटा, वही जो है वो जंप कर पाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होंगे, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वैसे तो पता होगा आपको कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली, एंड दे हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर यू नो कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। तो कौन कौन से कंडक्टर्स हैं? मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ, ये सब क्या है कंडक्टर के एग्जाम्पल। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, एग्जाम्पल आ जाएंगे नॉन मेटल, जैसे कि ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलन, वुड एक्सेट्रा। एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड वो है मरकरी। ओके, ध्यान रखिएगा। एक थर्ड कैटेगरी भी आती है जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस जो है वो लाई करता है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि वो ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, वो बीच में कहीं लाई करते हैं। When some charge if transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. तो बेटा ये ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में अगर हमने कुछ चार्ज दे दिया कहीं पर, तो ये जो चार्ज है ये लोकलाइज नहीं रह पाएगा, ये थोड़ी ही देर में इसकी पूरी सर्फेस के ऊपर फैल जाएगा। लाइक दिस इट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। इंसुलेटर के केस में अगर आपने चार्ज को यहाँ पे रख दिया है ना, चार्ज यहाँ पर आ गया, तो वो यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर जो है वो चार्जेस को इजिली फ्लो होने नहीं देते। अर्थिंग अ चार्ज बॉडी, वेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्जेस ऑन द बॉडी डिसअपियर्स बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट टू पास थ्रू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज नोन एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो बेटा यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर अपने पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा, इस बॉडी को अगर मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूंगी तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर एक्सेस में प्रेजेंट, ये सब कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? टू दी अर्थ। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा कुछ देर के लिए, इसीलिए इसके अंदर हल्का सा करंट भी आएगा। अर्थिंग जो है इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। अ थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट एंड दीज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई। तो किसी भी बिल्डिंग वगैरह में अगर कोई अचानक से कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर कोई अप्लायंस खराब हो जाए, या फिर लाइटनिंग स्ट्रक कर जाए, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए, तो क्या होता है उसकी ताकि बिल्डिंग सेफ रहे, ताकि सब लोग जो है वो सेफ रहे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ते हैं कि बिल्डिंग में अर्थिंग कर देते हैं। तो बेसिकली हम एक मेटल रॉड रखते हैं यहाँ पर इस तरह से, एंड उसे हम कनेक्ट कर देते हैं विद अ मेटल प्लेट बरिड डीप इनसाइड द अर्थ। तो कोई भी किसी भी तरह का एक्सेस चार्ज आए, मानो लाइटनिंग यहाँ पे स्ट्राइक कर जाए, तो जितना भी एक्सेसिव चार्ज होगा वो सब इस मेटल रॉड के थ्रू जो है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, एंड बिल्डिंग में रहने वालों को कोई भी किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचेगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आर हाउस हैज थ्री वायर्स, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन एंड थर्ड इज अर्थ बाय कनेक्टिंग इट टू द बरिड मेटल प्लेट। तो हमारे जो घरों में बेसिकली जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर तीन तरह की वायर्स होती हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। लाइव वायर से करंट अंदर जाता है सर्किट के अंदर, न्यूट्रल वायर से बाहर आता है, एंड अर्थ वायर को हम कनेक्ट करते हैं विद द मेटल प्लेट डीप बरिड डीप इनसाइड द अर्थ। एंड अर्थ वायर की मदद से क्या होता है कि इट एक्ट्स लाइक अ सेफ्टी मेजर, जितना भी एक्सेसिव करंट होगा वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा।
मेटालिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर. जब भी कोई फॉल्ट होगा या फिर लाइव वायर जब भी किसी मेटालिक बॉडी को टच करेगी तो चार्ज जो है वो सीधा अर्थ में चला जाएगा विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द अप्लायंस और विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द ह्यूमंस. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें एक स्पेशली इलेक्ट्रिक आयरन की मैं बात करूं, वॉशिंग मशीन की बात करूं, मैं टीवी की बात करूं या फिर जितनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनका जो सॉकेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 3-पिन प्लग वाला होता है ना. इसमें ऊपर वाला जो प्लग है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है एंड बाकी दो प्लग्स जो हैं वो लाइव वायर से और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अर्थ वायर वाला जो ये ऊपर का ये जो पिन होता है थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा लंबा भी होता है ताकि सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट अर्थ वायर से बने एंड इन केस ऑफ एनी यू नो कुछ बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट हो रहा हो तो उस केस में अर्थ वायर के साथ ही सबसे पहले कॉन्टैक्ट बने एंड जितना भी एक्सेसिव करंट है वो अर्थ में फ्लो हो जाए. चार्जिंग बाय इंडक्शन इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ अनदर चार्ज्ड बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी ऑब्जेक्ट. मान लो अपने पास दो स्फीयर्स हैं बेटा ए और बी, हमें इन दोनों को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड. तो हम इन्हें कैसे चार्ज करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इन दोनों के पास ले आओ, ठीक है, पास लेके आना, टच नहीं कराना. तो जब आप रॉड को पास लेके आओगे तो आप देखोगे कि ए के अंदर और बी के अंदर बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सबके सब अट्रैक्ट हो जाएंगे रॉड की तरफ. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड पर आ जाएंगे. यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ गए एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पे आ जाएंगे तो बी वाली साइड जो है वो सारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है. अब अगर आप रॉड को हटा लेंगे तो ए जो है वो नेगेटिव, ए के ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, बी के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए. बीच का एक स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा होगा कि ए इस तरह से है, बी इस तरह से है, ओके. ए के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे. अगर हम इन दोनों को अब सेपरेट कर दें तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, हमने विदाउट टचिंग ए और बी, हमने ए और बी को बिना टच कराए किसी भी रॉड से हमने इन दोनों को चार्ज कर दिया. तो अब क्वेश्चन आता है बेटा, ये एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट. तो बेटा कैसे चार्ज करोगे किसी भी मेटल स्फीयर को आप पॉजिटिवली चार्ज? तो आप एक मेटल स्फीयर ले लीजिए, इसे एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रखिए, ओके. एंड इस मेटल स्फीयर के पास में आप लेकर आइए एक नेगेटिवली चार्ज रॉड. अब जब नेगेटिवली चार्ज रॉड आप इसके पास लेके आएंगे तो मेटल स्फीयर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस तरफ भागेंगे एंड ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ओके. अब अगर आप इसे अर्थ कर दें इस तरह से, जब आप अर्थ करेंगे तो सारे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अर्थ की तरफ भागेंगे, ओके. तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे के सारे अर्थ की तरफ भाग गए, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, ये आपने रॉड रखा हुआ था इसके पास, ओके. अब अगर आप रॉड को यहाँ से हटा दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस ये रहे लेकिन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर चार्जेस जो है वो लोकलाइज नहीं रह सकते, इसीलिए स्फीयर जो है वो टोटली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा एंड ये जो चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर, ओके. अब इलेक्ट्रिक चार्ज की हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. उससे पहले आप समझ लीजिए कि पॉइंट चार्ज हम किसे कहते हैं. बेटा इफ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम देन वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस. ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन द स्पेस. तो ऐसा कह रहे हैं कि मानो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, है ना, एंड इसके ऊपर मैंने जो है नेगेटिव चार्ज दे रखा है. अब मैंने एक दूसरा चार्ज कंसिडर किया है इस तरह से एंड इसको मानो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मानो जो डी डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, इट इज वेरी 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 लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ दिस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. मतलब ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटे हैं एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो ऐसे में हम इनको जो है वो पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं एंड हम ऐसा मान सकते हैं कि इनका पूरा का पूरा चार्ज सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है. आई बात समझ में? तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज. इफ अ सिस्टम कंटेन्स टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली Q1 एंड Q2. ओके, ये ऐसा कह रहे हैं कि बेटा अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2,
तो आपको इनको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं लगाना, जैसे वेक्टर्स में तो क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। चार्जेस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको ऐड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, Q1 में Q2 को ऐड कर दोगे। लेकिन बस आपको इनके साइन का ध्यान में रखना है, अगर पॉजिटिव चार्जेस हुए तो उनका साइन प्लस होगा, नेगेटिव चार्जेस हुए तो साइन नेगेटिव लेना है। ओके, तो मानो मेरे पास एक चार्ज है 2 कूलम, दूसरा चार्ज है -5 कूलम, तो इनका एडिशन जो है वो 2 कूलम -5 कूलम यानी के -3 कूलम हो जाएगा। यही अगर मेरे पास ये होता 2 कूलम और दूसरा होता 5 कूलम, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते तो ये कितना हो जाता, 7 कूलम। समझ में आया? तो सिंपली इनको ऐड करना है। आगे देखो, चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसका इसके सराउंडिंग्स के साथ किसी भी तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग चार्जेस को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चार्जेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि नेचर कई बार क्या है, चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट भी करती है। जैसे ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन कभी कभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जब ये कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो जब ये कन्वर्जन हुआ भी तो टोटल चार्ज जो था सिस्टम का वो पहले भी कितना था, 0, और अभी भी कितना है, 0, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम ही होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हुए। तो हम कह सकते हैं कि जब भी इस तरह का चार्जेस क्रिएशन भी होगा तो वो भी हमेशा पेयर में होगा, लेकिन जो सिस्टम का पहले चार्ज था और जो बाद में चार्ज था वो हमेशा सेम रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बेटा हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं, दे आर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, एंड किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज क्यू होगा उसे हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहां पर एन क्या है, कोई भी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ दिस चार्ज, ये जो हमने चार्ज लिया है यहाँ पर, इट इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटोन कैरिज, एंड इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो ये होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्स। ओके, तो इनके कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी चार्ज जो होगा इस दुनिया में, सबसे छोटा चार्ज कौन सा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज मिलेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा और उसके साथ आपको 1/3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब जब भी पहला चार्ज मिलेगा वो इतना मिलेगा, दूसरा चार्ज मिलेगा वो इतना मिलेगा, तीसरा मिलेगा वो इतना मिलेगा, इनके बीच के जो चार्जेस हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा चार्ज जो इस दुनिया में अवेलेबल है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जो दूसरा चार्ज मिलेगा वो इसका मल्टीपल होगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.2×10⁻¹⁹ कूलम, तीसरा जो होगा वो इसको आप 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4.8×10⁻¹⁹ कूलम। इनके बीच का चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2.1×10⁻¹⁹ कूलम, क्या ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ओके, तो बेटा हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्स, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1.6×10⁻¹⁹ कूलम ये चार्ज जो है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा, 1/1.6×10⁻¹⁹ के ऊपर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फिगर है ये आपको याद रखनी है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो काफी बड़ा यूनिट है, इसलिए जनरली आप देखेंगे कि हम जो यूनिट्स यूज करते हैं कूलम के, वो यूज करते हैं माइक्रो कूलम्ब या फिर मिली कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या है, 10⁻¹⁶ कूलम। 1 मिली कूलम का मतलब क्या है, 10⁻³ कूलम। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाय दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो कि क्या लगाएंगे इसके अंदर, कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम के जितना, तो 12.5×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1.6×10⁻¹⁹ को मल्टीप्लाई कर दो 12.5×10⁻¹⁸ के साथ। ओके, मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या आएगा, कितना आ रहा है आपका आंसर। मेरा आंसर तो आ रहा है 20×10⁻¹⁹ कूलम्स के जितना। चेक कर लेना, आपका भी आंसर यही आना चाहिए। आगे बढ़ो। अच्छा, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ये भी, कि इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट
फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन दी अदर बॉडी। ऐसा कह रहे हैं कि एक बॉडी से हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये दूसरी बॉडी के ऊपर जा रहे हैं, है ना। कितना टाइम ले रहे हैं, 1 सेकंड जितना, 1 सेकंड जितना। तो ऐसा कह रहे हैं कि 1 कूलम जितना चार्ज अगर हम चाहते हैं इस बॉडी से इस बॉडी पर पहुंच जाए तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अब आप ये देखो बेटा कि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या हो गया। अभी आपको बताया था मैंने 1 कूलम चार्ज जो है इट इज़ बीइंग कैरिड बाय कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं। अब आप जानते हो कि 10^9 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में 1 सेकंड लग रहा है ना। 10^9 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। तो 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1/10^9 × 6.25 × 10^18 ये आ जाएगा 6.25 × 10^9 सेकेंड्स। ओके, तो इतना टाइम लगेगा। इसको अगर आपको मंथ्स या ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, कैसे, 6.25 × 10^9 / इसको अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप इस फिगर को इससे डिवाइड कर दो, 365 × 24 × 60 × 60, और अब कैलकुलेट करो ईयर्स में आंसर कितना आ रहा है। तो बेटा मेरा तो आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स के जितना, ठीक है। तो 198 ईयर्स लग जाएंगे बेटा हमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है। ओके, आगे चलो। हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर, यू हैव टू एज्यूम के मास ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। तो बेटा आप देखो कि हमसे पूछा है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। हमें ये बताना है कि 250 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो आपको बेसिकली क्या देखना पड़ेगा कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ना, तभी निकाल पाओगे आप आंसर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इतने पानी में, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इतने पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, है ना भाई। ये बता पाओगे कितने पानी में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तभी तो ये बता पाओगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने होंगे। एग्री करते हो मेरे साथ? तो अब आप देखो कि वाटर में हम ये कह सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम है ना। एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10^23 / 18। तो हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10^23 / 18 × 250। इतने मॉलिक्यूल्स, तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई इतने पानी में मॉलिक्यूल्स इतने हैं। ओके, अब आप ये देखो कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो किससे बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से। अब हर हाइड्रोजन एंड हर ऑक्सीजन के पीछे हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कितने कितने होंगे, ये देख लो। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमको, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं एक मॉलिक्यूल से, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 250 ग्राम वाटर में जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स थे उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 × 10^-19 कूलम्स, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10^-19 कूलम से। ओके, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई 250 ग्राम वाटर के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। कैलकुलेट करो। तो भाई मेरा तो आंसर आ रहा है 1.34 × 10^7 कूलम्स, यानी कि 250 ग्राम वाटर के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज होगा, एंड क्योंकि ये जो वाटर है वो न्यूट्रल है तो इसके अंदर इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। आगे समझ में, आगे चलो।
तो बेटा अभी भी जिन बच्चों ने एनरोलमेंट नहीं कराया है नीट टेस्ट सीरीज में, प्लीज एनरोल करा लीजिए। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज 9414210597 एंड मेरा जो ईमेल आईडी है दैट इज क्विक एग्जाम प्रिपरेशन एट द रेट gmail.com। बहुत ही मिनिमल अमाउंट में टेस्ट सीरीज एंड डेली असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो प्लीज 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 आप लोग जो है एनरोल जरूर कराइए एंड आपको बेनिफिट ही होगा इसके अंदर, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 प्लेस्ड डिस्टेंस आर अपार्ट, तो इनके बीच में लगने वाली जो कूलम्बिक फोर्स है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ओके, एंड इसको हम जो है वो इस तरह से लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर K क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो दोबारा पढ़ लो एक बार कि कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरिड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इट एक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। एक्टेड अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस का मतलब ये है कि ये कूलम्बिक फोर्स जो है भले ही फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इट विल ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग दिस लाइन, ये हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट करेगी। या तो ये ऐसे लग सकती है या फिर ये फोर्स ऐसे लग सकती है। ओके बेटा, हमने K के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर K को हम लिख लेते हैं 1/4π0 लाइक दिस एंड एप्साइलन नॉट जो है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एंड एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू है SI यूनिट्स में दैट इज एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू 8.854 × 10^12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को बेटा प्लीज ध्यान में रखना एंड इसका यूनिट भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम के में K इज इक्वल टू 1/4π0 लिखा है हमने, इसमें अगर हम पाई की और एप्साइलन नॉट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास K की वैल्यू आती है इतनी 9×10^9 एंड K का जो यूनिट आता है हमारे पास यहाँ से वो कितना आएगा, K की वैल्यू है 9×10^9, इसका जो यूनिट आएगा बेटा वो आएगा अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो ऐसा कह रहे हैं कि K की अगर हम ये वैल्यू चूज करें तो यहाँ से जो यूनिट ऑफ चार्ज अपने पास आता है उसे हम बोलते हैं 1 कूलम्ब। तो अब कूलम क्या है, कूलम क्या है, इट इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑफ मैग्नीट्यूड 9×10^9 न्यूटन। तो ऐसा कह रहे हैं बेटा ये कि 1 कूलम वो चार्ज है जिसे अगर हम उसी के जितने एक और चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर रख दें तो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो किसके बराबर होगी, 9×10^9 न्यूटन के बराबर। कैसे, हम जानते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना। K की वैल्यू कितनी है, 9×10^9। अब Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, 9×10^9 न्यूटन्स। तो समझ में आया आपको हम 1 कूलम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब अगेन देखो, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 कूलम जो है वो काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसीलिए प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं, यानी कि 10^-3 कूलम जिसे हम 1 मिली कूलम बोलते हैं या फिर 10^-6 कूलम जिसे हम माइक्रो कूलम बोलते हैं। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है बेटा, समझ लो कि अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये एक है Q1 और दूसरा है Q2 एंड Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट O, देन हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर फिलहाल देखो इन्होंने क्या माना है कि Q1 एंड Q2 जो है वो सेम चार्जेस हैं ना, सिमिलर चार्जेस है, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्जन शो किया है इन्होंने इस डायग्राम में। तो अब आप देखो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, R2-R1, जिसमें R21 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, Q1 से Q2 की तरफ होगी। आई बात समझ में, ये कैसे लिखा हुआ है, R21 इज इक्वल टू R2-R1। ओके, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q2 की तरफ। अब F12 क्या है, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज एंड F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कैन बी रिटन एज 1/4π0, ये तो क्या है के इंटू Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है R21, ये जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया है ना, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उसका ये मैग्नीट्यूड है एक तरह से, इसका स्क्वायर एंड यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर अलोंग R21। ओके, तो यूनिट वेक्टर अलोंग R21 क्या होगा, इफ डायरेक्शन में।
तो आर टू वन जो है वो बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर टू वन वेक्टर। एंड आर टू वन यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वन वेक्टर। ओके, अब ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा अब ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन किसी भी साइन के लिए वैलिड है। ये कैसे वैलिड है मैं आपको समझा देती हूँ। पहले केस में हम मानेंगे कि क्यू वन एंड क्यू टू का साइन जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। इस केस में या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होगा। इस केस में जो फोर्स लगेगा इन दोनों के ऊपर वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पे एफ टू वन और आर टू वन की जो डायरेक्शन है वो सेम आएगी, तो ये इक्वेशन जो है वैलिड होगी, क्योंकि इन दोनों का जो साइन आएगा वो सेम होगा एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी अपने पास सब कुछ पॉजिटिव आएगा, तो ये इक्वेशन वैलिड है इस केस में। अब सेकंड केस देखो, वो समझने का आया थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर क्यू वन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं एंड क्यू टू को हम नेगेटिव ले लेते हैं तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों का साइन जो है ना वो ऑपोजिट आएगा, तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि एफ टू वन जो मेरे पास आएगा इट विल बी इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन जो है वो पॉजिटिव है, क्यू टू जो है वो नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय आर टू वन का स्क्वायर इनटू। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर का साइन क्या आएगा, ऑपोजिट, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो इतना आएगा ये, ठीक है। लेकिन अब आप देखो कि अपने पास दो नेगेटिव साइन आ रहे हैं, दो नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन इतनी हो गई, तो अगर आप कंपेयर करो तो ये वही इक्वेशन बन रही है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि Q1 Q2 का कुछ भी साइन हो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी। तो बेटा हमने फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज निकाल लिया था ये, अब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज जो है वो इस तरह से आ जाएगा, बस हम वन और टू को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। एंड आप देखोगे कि क्योंकि आर वन टू जो है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टू वन, तो इसलिए F12 और F21 का साइन जो है वो हमेशा ऑपोजिट होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की तरह काम करेंगी, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, सो यू वी कैन से कि कूलम लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से एग्री करता है। ओके, आप देखिए कि अगर चार्जेस को हम किसी भी तरह के मैटर में या फिर किसी और दूसरे स्पेस में हम रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है। वहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होगा उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन इसको हम अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर चार्ज है इतना, ये दूसरे के ऊपर चार्ज है इतना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इतना, आपको बताना है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। कैसे निकालोगे, वन फोर्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये लगाओगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रिफ्ट पर 9, Q1 कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 10 रिफ्ट पर माइनस 7, Q2 कितना दे रखा है 3 इंटू 10 रिफ्ट पर माइनस 7, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को पहले आप कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर में, यानी कि 30 इंटू 10 रिफ्ट पर माइनस 2 मीटर्स। ओके, तो 30 इंटू 10 रिफ्ट पर माइनस 2 मीटर इसका आप स्क्वायर करोगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो ये कितना आता है, ऊपर देख लो पहले क्या आएगा, 9 इंटू 2 इंटू 3, 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लो, 9 माइनस 7 माइनस 7, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 रिफ्ट पर माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 100, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 6 इंटू 10 की ये पावर कितनी आ जाएगी, 0.4 μC and 0.8 μC, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स ये बता रहे हैं कितनी होगी, 0.2 न्यूटन। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, तो बेटा निकाल लोगे आप इसको, एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀ क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू 0.2 दे रखी है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रिफ्ट पर 9, क्यू वन की वैल्यू 0.4 μC,
एंड Q2 की वैल्यू उसका खाली मैग्नीट्यूड ले लो, 0.8 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर हमको निकालना है तो यहाँ पे कटिंग कर दो पहले जितनी भी हो सकती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और कुछ यहाँ पर फिलहाल कट नहीं हो रहा तो हम आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 × 2 × 0.8 × 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लो, 9 − 12। तो इसे बेटा हम लिख सकते हैं कितना, 9 × 16 / 10 × 10⁻³। इसको लिख लो 9 × 16 × 10⁻⁴। तो आर आ जाएगा हमारे पास इसका रूट, यानी कि 3 × 4 × 10⁻², यानी कि ये आएगा बेटा अपने पास 12 × 10⁻²। मीटर्स या फिर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ गया 12 सेंटीमीटर। एंड आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, तो आपको इतना पता है कि पहले के ऊपर दूसरे की वजह से जो फोर्स है वो इतनी है। आपको बताना है कि दूसरे के ऊपर पहले की वजह से फोर्स कितनी होगी। बेटा इतनी ही होगी, बस उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। यानी कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि −0.8 μC जो है वो 0.4 μC को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स आएगी इतनी। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इसकी वजह से कितनी आएगी इस डायरेक्शन में, एफ। तो बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट स्क्वायर कितनी आ जाएगी, −0.2 न्यूटन। ओके, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। आगे चलो, द चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स आर 7 mC एंड −5 mC रिस्पेक्टिवली, द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ। ओके, ये बता रहे हैं कि अपने पास एक चार्ज है +7 mC एंड दूसरा जो चार्ज है वो है −5 mC, एंड इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज एफ। फाइन, तो एफ को हम लिख सकते हैं कितना, के इंटू पहला चार्ज 7 mC। तो F को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट K इंटू 7 mC, यानी कि इतना, इंटू सेकेंड चार्ज 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि इन दोनों को हमने कुछ एडिशनल चार्ज दे दिया −2 mC का, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी। ओके, तो पहले को −2 mC दे दिया, यानी कि 7 − 2 कितना हो जाएगा, 5 mC। उसी तरह से अब दूसरे को आपने −2 mC दे दिया, तो −5 − 2 कितना हो जाएगा, −7 mC। ओके, अब इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स एफ डैश आपको निकालनी है कि कितनी होगी। तो एफ डैश बेटा कितना होगा, के पहला चार्ज देखो 5 mC, दूसरा चार्ज देखो 7 mC डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किसके बराबर होगी, एफ के बराबर ही होगी। ओके, आगे चलो, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड मासेस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटर्मिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एंड फॉर टू प्रोटोन्स। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में देखो दो तरह की फोर्सेस लगेंगी। कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना है एंड इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी, कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ इंटू इन दोनों के चार्जेस 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ इतना डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी बेटा, यहाँ पर आप जी की वैल्यू लिखोगे, है ना, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इतना लिखोगे। अब जी कितना होता है, 6.67 × 10⁻¹⁰ मास आपको दे रखे हैं यहाँ पर इतने और इतने, 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू 9.11 × 10⁻³⁹ इतना डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। चलो डिवाइड करो इनको, 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 6.67 × 10⁻¹⁰ इंटू 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू 9.11 × 10⁻³⁹ बेटा इसको सॉल्व कर लो, चेक करो कितना आ रहा है। बेटा ये आएगा कुछ 2.4 × 10⁻³⁹।
जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि इनके बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज दिस मच टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, है ना। तो आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी वीक फोर्स है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। फाइन, इसी तरह से बेटा टू प्रोटॉन्स के लिए अब आप निकाल लोगे खुद से, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। ओके, मैं नहीं करवा रही हूँ इसको यहाँ पर। आगे क्या दे रखा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ओके, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब पता होना चाहिए आपको, 10^-10 meters। ओके, इन दोनों के बीच में हमें बताना है, तो हमें बताना है बेटा कि इन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी कितनी होंगी ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो बेटा एक्सेलरेशन आप कहाँ से निकालोगे, जो भी इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी वो डिवाइडेड बाय इनका मास। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो इन दोनों के ऊपर कितनी कितनी लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आएगी, 9×10^9 कॉन्स्टेंट इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10^-19 इंटू प्रोटोन का चार्ज 1.6×10^-19 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना। ठीक है, ये लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स और प्रोटोन के ऊपर फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस फोर्स एफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आएगा बेटा कुछ 2.3×10^-8 न्यूटन। ओके, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये आएगा 2×10^3-8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 9.11×10^-31 kg। तो ये यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो बच्चे, वो आ जाएगी कितनी, 2.5×10^22 m/s². ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन निकाल लो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई है वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटोन। तो ये अब आपका होमवर्क है, ये अब आप खुद से कैलकुलेट कर लेना कि एक्सेलरेशन कितनी आएगी। आगे समझ, आगे चलो। तो बेटा अगला जो एग्जांपल है, अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड। ओके, दूसरा चार्ज स्फीयर हमने इसके पास रखा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 cm है। फिर क्या कह रहे हैं, स्फीयर ए और बी को हमने टच करवाया सी और डी के साथ रिस्पेक्टिवली। ओके, तो बेटा क्या होता है कि जब हम किसी भी एक स्फीयर को दूसरे सिमिलर स्फीयर से टच कराते हैं ना, तो उनका चार्ज आधा आधा हो जाता है। तो ए के ऊपर अगर चार्ज आप मान लो Q1 था और बी के ऊपर चार्ज Q2 था, ए को सी से टच कराया तो ए के ऊपर अब चार्ज कितना रह गया, Q1/2, और सी के ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q1/2। सिमिलरली बी के ऊपर चार्ज रह गया Q2/2 और डी के ऊपर चार्ज रह गया Q2/2। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब हम सी और डी को हमने रिमूव कर दिया और बी को ए के पास लेकर आए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इस तरह का कुछ सिचुएशन है, तो हमें बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। स्फीयर ए एंड सी एंड बी एंड डी दे हैव आइडेंटिकल साइजेस एंड वी हैव टू इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपेरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। इन शॉर्ट हमें इन्हें पॉइंट चार्जेस मानना है। ओके, तो बेटा आप देख लो इन दोनों के बीच में इनिशियल फोर्स कितनी थी, कितनी लग रही थी फोर्स, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 cm। ओके, इस डिस्टेंस को मैं कितना मान लेती हूँ, आर के बराबर, आर का स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पे देखो तो ए का चार्ज आधा हो गया, बी का चार्ज ज़्यादा हो गया और इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, है ना, R/2 हो गया। तो अब इनके बीच में लगने वाली नई फोर्स कितनी हो जाएगी, के Q1/2×Q2/2 डिवाइडेड बाय R/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय 4। 4 और 4 बेटा जब कैंसिल होंगे तो आप देखो कि ये अपने पास कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय R² के बराबर। अब अगर आप नई फोर्स और पुरानी फोर्स को कंपेयर करो तो देखो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। आगे समझ में, आगे चलो। तो बेटा ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें हम एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ टच कराते हैं, पहले की फोर्स आपको दे रखी है एफ एंड आगे की फोर्स आपको जो है निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एफ। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसे खुद से ट्राई करें एज अ होमवर्क एंड कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को सुना है। आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक अपने पास फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो क्या कह रहे हैं कि अगर अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3
टिल क्यू एन। तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर अगर आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन, इट विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, एंड टिल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। ठीक है, आपको सारी फोर्सेस को इंडिविजुअली निकाल लेना और बस उन सबका सम कर देना है इस तरह से, एंड इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बार पढ़ लो इसे, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ओके, तो आपको इन सभी फोर्सेस का क्या कर लेना है, वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों करेंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो बेटा इस एग्जांपल में क्या दे रखा है कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3, ईच ऑफ चार्ज Q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एज शोन। तो बेटा हमें डायग्राम दे रखा है, NCERT का ये एग्जांपल है, इसको जरूर अच्छे से देख लें कैसे करेंगे। हमें बताना है कि ये जो सेंट्रोइड पे हमने चार्ज रखा है इसके ऊपर बाकी तीन चार्जेस की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, टोटल फोर्स कितनी लगेगी। अब आप देखो कि भाई इसके ऊपर पहले A के ऊपर हमने जो चार्ज रखा है ना, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी F1। ठीक है, F1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं मान लेती हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखो तो F2 और F3 की वैल्यू भी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी भाई, क्योंकि K सेम है, Q सेम है, Q सेम है ना, सब पे बराबर बराबर चार्ज हैं, एंड क्योंकि सेंट्रोइड पे रखा है तो ये जो डिस्टेंसेस होंगे OA, OB और OC वो सब भी बराबर होंगे। तो ये सबके जो वैल्यूज है, इन सबके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। एग्री करते हो मेरे साथ? अच्छा, अब आप एक चीज देखो यहाँ पर के यहाँ पर ये जो F2 है और ये जो F3 है ना, F2 और F3 के बीच का एंगल कितना होगा, मुझे बता सकते हो कितना होगा? देखो मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे। ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल कितना होगा 60, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 और ये 30 कितना हो गया, टोटल 60। अब ये जो ट्रायंगल है OBC जो ट्रायंगल है, उसके दो एंगल मुझे पता चल गए, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो उसका ये जो तीसरा एंगल है ये वाला, ये कितना आएगा, इसको थीटा मान लो, इक्वल टू 180। तो थीटा कितना आया, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास आ रहा है 120, यानी कि ये एंगल भी 120 होगा। अब बेटा आपको पता है कि अगर अपने पास दो वेक्टर जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हों, है ना, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, एंड इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। तो आपने वेक्टर्स में ये शायद ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ रखी होगी कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के जब इस एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बराबर ही आता है, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा F2 प्लस F3 का जो वेक्टर सम होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, है ना। अगर F2 और F3 का मैग्नीट्यूड F है तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी F होगा। तो यानी कि ये जो मेरे पास फोर्स आ रही है ना, ये वाली, इसका मैग्नीट्यूड F2 और F3 के बराबर होगा। अब आप देखो कि F1 जो है वो इसके ऑपोजिट आ रही है, F के ऑपोजिट आ रही है। अब F1, F2 और F3 इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो F और F1 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल फोर्स Q पे कितनी हो जाएगी, 0। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हमने वेक्टर्स की ये शॉर्ट ट्रिक का एक फायदा उठाया है। आपको समझ में आई है शॉर्ट ट्रिक? याद रखना कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के जब भी 120 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, F ही होता है। गॉट इट? आगे चलो। कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड -Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमें बताना है कि हर एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी है। तो बेटा इन्होंने फोर्सेस के जो डायरेक्शन है वो तो दिखा ही रखे हैं। हम शुरू करते हैं चार्ज ऑन A से। A के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव Q। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस सेकंड चार्ज वो कितनी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स होगी इस तरह से, ठीक है। एंड फोर्स इसके ऊपर जो लगेगी थर्ड चार्ज की वजह से वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, है ना, क्योंकि थर्ड चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये फोर्स एक इस तरह से आ जाएगी, एक इस तरह से आ जाएगी। अब ये जो F12 होंगे एंड F13 होंगे, आप देखो तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सारी जगह सेम है, ठीक है। एंड ये
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डिस्टेंस भी सब बराबर है, तो इन सब के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इतने आने वाले हैं। ठीक है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन और क्यू टू जो है दोनों क्यू के बराबर हैं, डिस्टेंस जो है वो एल के बराबर है, तो इन सब के मैग्नीट्यूड इतने आने वाले हैं। अब देखो वही कंसेप्ट फिर से काम में आ रहा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, कि दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, ये वाला, ये एंगल हम जानते हैं 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगेन देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री आ रहा है, वैल्यूज इन दोनों के बराबर हैं, तो F1 जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी ना, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी था देखो निकालना, बस ये ट्रिक पता होनी चाहिए आपको, तो ट्रिक से क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो F1 की वैल्यू आ गई, देखो सिमिलरली यहाँ पर F2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए देखो, अब माइनस क्यू जो है वो इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है और इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर F31 और F32 इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, कितने, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के बराबर, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो अब आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालोगे? कोसाइन फॉर्मूला यूज करोगे वेक्टर एडिशन का, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ये फोर्स आ रही है, है ना, F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F31 इंटू F32 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना आएगा इनके बीच का 60 डिग्री। ओके, इन सबको मैं F, F, F और F मान लेती हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ F² + F² 2F² प्लस 2F² कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एफ। ओके, तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 3, और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला था, इतना, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे तो देखो, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि अपने को 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, ये ए बी सी डी, यहाँ पे चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड यहाँ पे दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। हमें बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज हमने यहाँ रख दिया, हमें बताना है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगेगी बाकी चारों चार्जेस की वजह से। तो बेटा देखो आप कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज को -5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह से इसको ये वाला चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों जो फोर्सेस आएंगी इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, क्योंकि चार्जेस सेम है, और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, है ना, ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस है ये दोनों सेम होंगे, तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा इधर, ठीक है, उसी तरह से ये वाला 2 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा इधर, तो ये फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो यहाँ पर टोटल जो नेट फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर वो कितना आ जाएगा बेटा, 0। देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। तो बेटा जो मेन थ्योरी वाला पार्ट था एंड एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा था मुझे आपको करवा देने चाहिए, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद आपको आगे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं जो कि नीट में पहले से पूछे जा चुके हैं, या फिर उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके प्रैक्टिस करनी हो, तो अब आप मेरी दूसरी वीडियो को देखिएगा जो कि रहेगा नीट बूस्टर सेक्शन ऑन द टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको करवाए, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। एंड मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। अगेन बेटा मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि जो भी बच्चे मेरी टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहते हैं फॉर नीट 2020 वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई ई मेल आई डी एंड ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करूंगी। ओके, तो बेटा अब आप देखिएगा, अब आप मूव ऑन हो जाइएगा मेरी अगली वीडियो पे जो कि है नीट बूस्टर सेक्शन, एंड उसको देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, एंड बस अपने आप को इस तरह से देखिए कि अगले साल नीट में आप पक्का से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे ही आएंगे, एंड अगले साल आप अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहेंगे। मेहनत करते रहिए बेटा, मैं आपके साथ हूँ।
बाय।